युवाओं ने आंदोलन किया और युवा जीत गए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्र आंदोलनरत थे। ये उत्तर प्रदेश के जो चयन का आयोग है उसके खिलाफ प्रयागराज जो कि मुख्यालय है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे लगातार 4-5 दिनों से। प्रदर्शन और उसके दृश्य वीडियो पर आपने भी देखे होंगे। अब उनके पक्ष में फैसला आ गया है, सरकार को झुकना पड़ा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद उनकी एक बड़ी समस्या हल हो गई है। बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। आज बात को समझो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 15 लाख से अधिक ये छात्र जिनका भविष्य परीक्षाओं के माध्यम से दांव पर लगा हुआ था वो क्यों आंदोलन कर रहे थे, क्यों गुस्सा थे, क्यों नाराज़ थे, उनके साथ झूमा झटकी की गई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, उनके खिलाफ धाराएँ लगाई गई, लेकिन आखिरकार सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। बहुत आसानी से बात को समझने की कोशिश करें तो मसला ये है कि ये एक रिक्ति के लिए जो 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन पत्र दिए हैं वो 5 लाख सारे एक साथ बैठकर एक जगह परीक्षा नहीं दे सकते। एक साथ सारे परीक्षा केंद्रों को मिलाकर भी 5 लाख विद्यार्थी नहीं बैठ सकते थे। और दूसरी परीक्षा उसके लिए लगभग 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उन सारे 10 लाख छात्र छात्राओं को बिठाने के लिए भी वैसे माकूल, वैसे जो सारी अर्हताएँ पूरी करें ऐसे परीक्षा केंद्र नहीं थे। इसलिए परीक्षा आयोग ने ये सोचा कि अलग अलग पालियों में और अलग अलग दिनों में परीक्षा की जाए। उससे क्या नुकसान था? उससे ये नुकसान था कि अलग अलग दिनों में परीक्षा होने पर अलग अलग प्रश्न पत्र देने पड़ेंगे। एक कठिन प्रश्न पत्र होगा, एक आसान होगा, ऐसा हो जाता है आमतौर पर। तो अगर प्रश्न पत्र कठिन और आसान होगा तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ता है और वो नॉर्मलाइजेशन भी आपने बहुत सुना होगा, उसको लेकर भी छात्रनाल। पूरा मामला क्या था इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश PCS की प्रारंभिक परीक्षा अब एक दिन और एक ही पाली यानी एक ही शिफ्ट में होगी। जी हाँ, दो अलग अलग परीक्षाओं के, एक RO AR की परीक्षा थी और एक PCS की परीक्षा थी। PCS की परीक्षा के लिए अभी यह फैसला दिया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा। उत्तर प्रदेश PCS की प्रारंभिक परीक्षा अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदर्शनकारी छात्रों की बात मान ली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र बीते 4 दिनों से ज़्यादा समय से प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलनकारी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की ओर से प्रस्तावित PCS और RO AR परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के फैसले का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा छात्र परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के भी खिलाफ थे। RO AR परीक्षा को लेकर एक समिति बनाने का फैसला किया गया, मतलब वो एक ही दिन में होगी, इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही परीक्षा की रूपरेखा तय होगी। भारत की सबसे बड़ी समस्या अब ये होती जा रही है कि या तो परीक्षाएं समय पर हो ही नहीं रही हैं, हो रही है तो पर्चा लीक हो जा रहा है, पर्चा लीक होने के बाद नई तारीख नहीं आ रही है, तारीख आ रही है तो फिर सनी देओल वाली स्टाइल में तारीख पे तारीख मिल रही है, और जब तारीख मिल जा रही है तो परीक्षा करने के तरीके से छात्रों में नाराजगी है। जी हाँ, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2 दिन में परीक्षा कराने का विरोध क्यों हो रहा था, छात्र परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ क्यों थे, नॉर्मलाइजेशन का छात्रों को क्या नुकसान होता, UPPSC एक ही दिन में परीक्षा क्यों नहीं करा रहा था, अब परीक्षा एक दिन में कैसे हो जाएगी और ये परीक्षा होनी कब है, इन सब सवालों के जवाबों को समझने की कोशिश है बात को समझो में। विरोध की कहानी पर आएं उससे पहले ये जान लेते हैं कि परीक्षा होनी कब थी, यानी कि होली कब है वाली जो तारीख थी बच्चों की वो कब थी। दरअसल 12 जनवरी 2024 को UPPSC ने एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में उन सभी परीक्षाओं की तारीख का जिक्र था जो परीक्षाएं राज्य की सबसे प्रतिष्ठित चयन आयोग करवाता है। इसके मुताबिक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO AR की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 11 फरवरी थी। वहीं 28 जुलाई को मुख्य परीक्षा होनी थी। इसी तरह PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 17 मार्च थी, जबकि PCS की मेंस की परीक्षा 7 जुलाई को तय की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। PCS की परीक्षाएं स्थगित हो गईं। वहीं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 फरवरी को हुई, लेकिन परीक्षा के दौरान ही खबर आई कि कुछ छात्रों के पास पहले से ही परीक्षा का प्रश्न पत्र था, यानी पेपर लीक हो गया। पर्चा लीक होना देश के कई राज्यों में बड़ी समस्या बनकर उभरा, चुनावी मुद्दा भी बना, लेकिन हल फिलहाल पूरी तरह से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान के चुनाव हो, जो विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव हो, या उत्तर प्रदेश के
आम उपचुनाव हों, उन सभी में प्रश्न पत्र के लीक होने का मामला बहुत जोरों से गूंजा। हालांकि पेपर लीक होने के बाद इस मामले में एसटीएफ की जांच बैठा दी गई। 2 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि 11 फरवरी को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। इसके बाद 3 जून को एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसमें घोषणा की गई कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी, जबकि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, दोनों परीक्षाओं की तारीख फिर बदल दी गई, यानी वही तारीख पे तारीख। जी हाँ, बीते 5 नवंबर को यूपीपीएससी ने एक बार फिर दोनों परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित की जानी थी। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जानी थी, जिसमें पहले सत्र की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दूसरे सत्र की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो जानी चाहिए थी। इसी तरह आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 और 23 दिसंबर को किया जाना था। दोनों दिनों को मिलाकर परीक्षा का आयोजन कुल 3 पालियों में किया जाना था। तीसरी पाली की परीक्षा का आयोजन 23 दिसंबर को किया जाना था। 22 दिसंबर को प्रथम पाली सुबह 9 से 12 बजे, द्वितीय पाली दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तथा 23 दिसंबर को तीसरी पाली की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होनी थी। ये परीक्षा का कार्यक्रम था जो घोषित था और इसी के बाद बवाल मचना चालू हो गया। यानी अब तक जो परीक्षा एक दिन में होनी थी, उसे आयोग ने 1 से अधिक दिन और पालियों में आयोजित करने का ऐलान कर दिया था। चूंकि परीक्षा अलग अलग पालियों में होनी थी, इसलिए आयोग ने घोषणा की कि इन भर्ती परीक्षाओं में मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए आयोग ने मूल्यांकन फार्मूला जारी भी कर दिया कि किस फार्मूले से इस नॉर्मलाइजेशन को गिना जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि केवल तारीख बदली थी तो छात्र इतना विरोध क्यों कर रहे थे। दरअसल 1 से अधिक पाली में परीक्षा के आयोजन और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के निर्णय के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने मांग की कि परीक्षा को एक दिन एक शिफ्ट में आयोजित करने से मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए सारी पालियां खत्म करके एक साथ एक दिन में परीक्षा की जाए। आयोग के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग का अभियान चलाया। पहले तो इस अभियान में उन्होंने विरोध किया और एक्स पर हैशटैग यूपीपीएससी आरओ एआरओ वन शिफ्ट नाम से इस अभियान को चलाया। इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपना समर्थन दिया। छात्रों का कहना था कि 2 पालियों में परीक्षा कराए जाने से उन्हें नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि आयोग ने नकल न होने देने और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए 2 दिन और 2 पालियों में परीक्षा कराने की बात कही। मतलब आयोग का तर्क ये था कि 2 दिन और अलग अलग पालियों में परीक्षा कराने से नकल रोकने में बड़ी मदद मिलेगी और परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इसके बावजूद छात्र सड़क पर उतर गए, क्योंकि सोशल कैंपेन का वैसा असर हुआ नहीं जैसा उन्होंने सोचा था और आयोग ने परीक्षा की जो तिथि घोषित की थी उसको देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि केवल सोशल मीडिया के कैंपेन से उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए उनका गुस्सा फूटा और वो सड़क पर उतर आए। अभ्यर्थी अपनी मांगों को मनवाने के लिए 11 नवंबर को सड़क पर आए। अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, बहस हुई। अगले दिन पुलिस ने सरकारी बैरियर और कोचिंग का बोर्ड तोड़ने के आरोप में 12 छात्रों पर FIR दर्ज कर दी। उधर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर 10 छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया और उनसे देर रात तक पूछताछ की गई। छात्रों पर पुलिस ने यह आरोप लगाया कि ये लोग अराजकता फैलाकर छात्रों को उकसाने और आंदोलन को उग्र रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। पूछताछ के बाद 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद आंदोलन और अधिक तेज हो गया। ये सारी कवायद चल रही थी तो इसने राजनीतिक रूप भी ले लिया। अखिलेश यादव कूद पड़े, डिंपल यादव बीच में आ गई। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बयान तेजी से सामने आने लगे कि ये राज्य सरकार की नाकामी है जो छात्र इतने ज़्यादा आंदोलनरत है और उनके साथ जो मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, झुमा झटकी हो रही है, उसके वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगे। मामला गुरुवार को और ज़्यादा तूल पकड़ गया। गुरुवार सुबह राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा होता रहा। आखिरकार दोपहर बाद आयोग ने 1 से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराने का फैसला वापस ले लिया। मामला राजनीतिक रंग ले चुका था, किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही थी सरकार की और जो झूमा झटकी हो रही थी छात्रों के साथ, उनके दृश्यों का उपयोग विपक्ष सरकार पर हमला करने के लिए भरपूर तरीके से कर रहा था और ये मामला और ज़्यादा आगे बढ़ता इसके पहले ही मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हुआ और ये फैसला ले लिया गया।
सवाल ये उठता है कि अब फिर परीक्षा किस तरीके से होगी। मुख्यमंत्री के दखल के बाद 4 दिन से जारी गतिरोध तो फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश PCS की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराई जाएगी। वहीं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाएगी। ये समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करके जल्दी ही एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद परीक्षा को लेकर फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 1 दिन एक पालिक में परीक्षा कराने के लिए क्यों मांग की जा रही थी, इसको लेकर इतनी ज़्यादा बहसबाजी क्यों हुई, छात्र और आयोग आमने सामने क्यों आ गए। आयोग के मुताबिक UPSC की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1758 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन आयोग को बहुत ही कम, आधे से कुछ अधिक ही योग्य परीक्षा केंद्र मिल सके। PCS की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए 5,76,000 के करीब अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया और आयोग को जो DMs होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से मानक के अनुसार केवल 978 परीक्षा केंद्र ही प्राप्त हुए। अब इतने कम केंद्रों पर 5 लाख छात्रों को नहीं समायोजित किया जा सकता था। उस सारे केंद्रों की संख्या जोड़ने के बाद भी 4 लाख से कुछ अधिक अभ्यर्थी ही इन परीक्षा केंद्रों पर बैठ सकते थे, इसीलिए आयोग को अलग अलग दिनों और पालियों में परीक्षा करवाने का निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसे वापस ले लिया गया है। वहीं RO और ARO में तो और भी अधिक दुविधा है और इसीलिए उसके लिए समिति भी बना दी गई है, क्योंकि वहां पर तो 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और उनकी संख्या PCS परीक्षा के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उस पर तुरंत ही 1 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय नहीं हुआ, बल्कि एक समिति बना दी गई कि भाई 10 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं 1 दिन में परीक्षा देंगे तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उनको अकोमोडेट किया जाएगा, कैसे ये सारे 1 दिन में परीक्षा दे पाएं, इसके लिए एक समिति बने, वो निर्णय करे। कुल मिलाकर परीक्षाएं टलती जा रही हैं, तारीखें बढ़ती जा रही हैं, इस विरोध के बाद भी आखिर परीक्षा नहीं हो पा रही है, तुरंत RO ARO में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन शासनादेश के अनुसार ऐसे परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं जो मानक से कम हो। शासन का आदेश यही कहता है कि कलेक्टर कोषागार से 20 किलोमीटर की परिधि तक परीक्षा केंद्र का विस्तार हो सकता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी परीक्षा की जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मामला ये है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अधोसंरचना नहीं है। अगर छोटे प्राइवेट कॉलेजों को या निजी संस्थानों को परीक्षा दी जाती है तो फिर वही दिक्कत आती है कि अगर वहाँ नकल होगी, सामूहिक रूप से नकल होगी, ठेके पर भी परीक्षाएं पास करने की जिम्मेदारी ली जाती है, हर तरह के धंधे चलते हैं इस देश में, हर तरह के लोग जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, और अगर ऐसे केंद्र जो मानक नहीं हैं, जहाँ पर किसी तरह का ढंग से विजिलेंस नहीं हो सकता, निगरानी नहीं हो सकती, और वहाँ पर अगर इस तरह के नकल के मामले आते हैं तो सरकार की और परीक्षा आयोग की दुविधाएं कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए अगर हम परीक्षा करवाने वाले चयन आयोग की तरफ से सोचें, सरकार और प्रशासन की तरफ से सोचें, तो निश्चित ही कोशिश ये थी कि किसी भी तरह का नकल का या दूसरे आरोप नहीं लग पाए, इस तरह की व्यवस्था हो कि ऐसा करने का मौका ही नहीं मिले। लेकिन अब ये बड़ी दुविधा रहेगी, 10 लाख से अधिक बच्चों को कैसे बिठाकर परीक्षा ली जाए। आयोग का कहना था कि हर संभव प्रयास करने के बावजूद पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाए और इसके कारण ही 1 से अधिक दिनों में परीक्षा करने का निर्णय उनको लेना पड़ा। और इस मामले में उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई थी, उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जो 7 जनवरी 2024 को ही आया था, और उस उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार नॉर्मलाइजेशन जो है वो मान्य है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं करता, तो आयोग को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला देना पड़ा, पर छात्र छात्राएं नहीं माने, युवा थे, अड़ गए सो अड़ गए, लड़ गए सो लड़ गए, और उन्होंने अपनी जिद मनवा कर ही मैदान से हटे। तब तक वो झुके नहीं, वो रुके नहीं। इस सब के बीच अब बड़ा सवाल तो यह है कि जो आयोग 5 नवंबर को सिर्फ PCS की परीक्षा के लिए 55% परीक्षा केंद्र योग्य होने की बात कर रहा था, वो अब 1 दिन में PCS की परीक्षा भी कैसे करा लेगा, परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाएगा। जिन सवालों और जिस शंकाओं का हवाला देकर परीक्षा को 1 से अधिक दिन किया जा रहा था, वो 1 से अधिक दिन होने वाली परीक्षा 1 दिन में कैसे हो जाएगी, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमको आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। फिलहाल फैसला यही हुआ है कि PCS की जो परीक्षा है वो 1 दिन में हो जाए और RO ARO के लिए समिति गठित हो गई है। पर बात को समझो, में चलने से पहले एक बात यह जानना जरूरी कि जो नॉर्मलाइजेशन है जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक का हवाला देना पड़ा, वो आखिर है क्या जिसकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल इस फॉर्मूले के अनुसार किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके द्वारा हासिल किए गए अंकों के बराबर या उससे कम अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या
और उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की कुल संख्या के भागफल को 100 से गुणा कर दिया जाता है। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों के प्रतिशत स्कोर दशमलव के बाद 6 अंकों तक हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। दरअसल अलग अलग पालियों में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं, जो मैं आपको शुरू में बता ही रहा था। ऐसे में आसान प्रश्न पत्र और कठिन प्रश्न पत्र के बीच में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हालांकि आसान और कठिन इसके बीच में भी भेद हो सकता है। जिसने खूब पढ़ाई की है, अच्छी पढ़ाई की है, दिन रात पढ़ाई की, उसके लिए तो कोई प्रश्न पत्र कठिन नहीं है। लेकिन कई बार थोड़े से कठिन प्रश्न आते हैं जिनको हल करना बहुत आसान नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस भी कई बार आरोप लगते हैं कि आ गया। ऐसे में अलग अलग पालियों में परीक्षा होगी तो एक प्रश्न पत्र नहीं हो सकता, वरना वो तो आउट हो जाएगा, नकल हो जाएगी। प्रश्न पत्र अलग अलग होगा तो फिर कोई आरोप न लगा दे कि भाई उनको उस पाली में आसान प्रश्न पत्र मिला, हमें इस पाली में कठिन प्रश्न पत्र मिला, अब दोनों हम एक ज़मीन पर तो खड़े नहीं हैं, तो कैसे न्याय होगा। तो न्याय नॉर्मलाइजेशन के जरिए होगा, ये व्यवस्था है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। ये होती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल उत्तर प्रदेश ऐसा अनोखा राज्य है जिसमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया, या फिर ये दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाता है। तो ऐसा आंध्र प्रदेश में, केरल में, तेलंगाना और दूसरे अन्य प्रदेशों में भी राज्य लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाता है, और इसको लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं है कि यूपीपीएससी ने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया है। बल्कि यूपीपीएससी ने विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक भी किया था कि वो नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करेंगे, लेकिन बाद में जब इसका पूरी मसला छात्रों को समझ में आया और उनको लगा कि नॉर्मलाइजेशन से उनका नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप अलग अलग लीजिए ही मत परीक्षा, आप एक साथ परीक्षा ले लीजिए पर नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए। अब एक साथ परीक्षा लेने में अगर नकल होती है, पर्चा लीक होने की रिस्क होती है, तो फिर कैसे जो परीक्षा आयोग है इससे निपटेगा, ये थोड़े समय में हमको पता लग जाएगा। लेकिन इस पूरी खबर पर अमर उजाला ने लगातार नज़र बनाए रखी, और चूंकि ये मामला उलझ गया, विवाद बड़ा हो गया, तो बात को समझो, में इसको समझने की कोशिश की। फिलहाल समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जनवरी के बाद जनवरी में कैलेंडर तो आ जाता है, लेकिन उस कैलेंडर का पालन नहीं होता है, परीक्षाएं तय समय पर नहीं होती है। परीक्षा तय समय पर नहीं होगी तो पद खाली पड़े रहेंगे, भर्ती भी तय समय पर नहीं होगी, पद खाली पड़े रहेंगे तो काम रुकेगा, और काम रुका होना किसी भी देश की, समाज की प्रगति में बाधक है, जो कि लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी सरकारों को, राज्य सरकारों को मिलकर केंद्र सरकार के साथ बैठकर ऐसा कोई फार्मूला निकालना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला हो सकता है, वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन फार्मूला ये निकालना पड़ेगा कि देश का जो भविष्य निर्माण करने वाले युवा हैं, अगर वो नौकरी की तलाश में हैं, परीक्षाएं देना चाहते हैं, तो परीक्षाएं सही समय पर हों और सही तरीके से हों। ऐसे ही मुद्दों को विस्तार से समझने के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।